ओम शांति। आज 20 दिसंबर 1969, बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य। हम देख रहे हैं बाबा हम बच्चों को, इन मुरलियों के माध्यम से हमने क्या करना है और कैसे करना है, वो स्पष्ट दिशा दर्शन देते जा रहे हैं। आज की मुरली भी इसी प्रकार से है। बाबा ने कहा है कि सेवा के प्लान्स बनाओ, परंतु कैसे, प्लेन बुद्धि बन करके हैं। आइए इन महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा के डायरेक्ट महावाक्य हैं कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या देखने और क्या करने आए हैं। आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने के लिए आए हैं। वायदा करने में तो ये आत्माएं आदि से ही प्रवीण है। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इस रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने लिए आए हैं। यूं तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो। जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया, मदद ली और दी भी, तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं। एवर रेडी तो सभी है ना। वायदा यही है अभी से सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। यानी बाबा ने पहले हमको हमारी हिम्मत दी है, हमारे स्वमान में हमको टिकाया। बाबा कहते हैं कि देखो, जब यज्ञ शुरू हुआ ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उस समय जो बच्चे बाबा के बने तो कुछ नहीं देखा उन्होंने, सारा अपना जीवन सरेंडर कर दिया, तन मन धन बाबा के बच्चे बन गए, तो हिम्मत का काम किया। तो आदि से लेकर अब तक बाबा कहते हैं मैं शिक्षाएं देता आया हूं और आप वायदे करते आए हो और चलते आए हो। अगर सारे 5000 साल के वर्ष के कल्प में देखें, जितनी भी आत्माएं हैं उनमें सबसे हिम्मतवान भी आप ही सिद्ध हुए हो। क्यों? कि परमात्मा के समीप आए, परमात्मा को पहचाना, फिर इतनी हिम्मत रखी जो तब से लेकर अब तक परमात्मा के साथ रहे, वायदे किए और परमात्मा से पालना भी ली, परमात्मा से शिक्षाएं भी ली और सहयोग लिया भी और दिया भी, स्नेह लिया भी और दिया भी। तो पहले बाबा ने हमको अपने स्वमान में स्थित कराया। फिर खास बात यह कि बाबा हर मुरली में ये कह रहे हैं, जितनी अव्यक्त वाणी आप चला रहे हैं, कि बाबा किस लिए आए हैं, और हर मुरली में एक पर्पस बताते हैं कि इसलिए आए हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि बाबा एक वायदा कराने आए हैं, और वो वायदा क्या करवाने आए हैं उसमें बाबा ने बताया है कि आप बच्चों के अंदर एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता, ये इसमें सारा सार आ जाता है ज्ञान का, कि ये इन चीजों को अगर बच्चे पूरी तरह अविनाशी तौर पे कायम रखेंगे तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा ये आपकी हर कदम से नजर आनी चाहिए। वही प्रत्यक्षता। तो भी सुनाया था ना कि भट्टी के बाद सर्व स्थानों पर निकले, वो दिन याद है ना, लोग सभी क्या कहते थे, सभी के मुख से यही निकलता था कि ये एक ही सांचे से निकली हुई हैं। जो शुरू में बहने आई थी, सभी की बात एक ही है, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण, जहाँ देखो वही नजर आता है। वो किसका प्रभाव पड़ता था? अव्यक्त पालना का। व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्ति देखने में आते थे।
अब फिर से वो जैसे 16 वर्ष की भट्टी, ये फिर 16 दिन की भट्टी। लेकिन अब से हरे को ये मालूम पड़ना चाहिए कि ये बदल कर आए दुनिया को बदलने के लिए। सारे दैवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आंख है, तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। यानी बाबा ने कहा कि देखो, आदि काल में जब भट्टी हुई थी तो भट्टी में बाबा ने अलौकिक पालना की, तो उस पालना का स्वरूप उनके चेहरे और चलन से झलक और फलक से नजर आता था। दुनिया में आए तो क्या लोग कहते थे, जिस ब्रह्मा कुमारी से मिलो न्यारी लगती है, और सब एक ही बात बोलती हैं, था ना। तो किसका प्रभाव था, अलौकिक। तो बाबा कहते इसी प्रकार से आप भट्टी से जा रहे हो जो विशेष ग्रुप है, तो आपके ऊपर भी सारे ब्राह्मण परिवार की नजर है कि आप निमित्त बनेंगे, और ये आपके हर कदम में ये पांचों बातें दिखाई देंगी, तो लगेगा दुनिया को ये परिवर्तित होकर भट्टी में गए, परिवर्तित होकर परिवर्तन विश्व का करने के लिए आए हैं। ये जब दिखेगा उनको, तब बाबा कहते हैं असली सेवा भी तब होगी। तो बाबा कह रहे हैं कौन सी विशेषता तुम बच्चों को दिखानी है, ये पांच बातें जो सुनाएं। जब ये पांच बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे, तभी विशेष आत्माएं नजर आएंगे। जब अपने में विशेषता लाएंगे, तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो, सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। यानी संपूर्णता और संपन्नता हमारी ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। भले प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लान के साथ अपनी लगन पूरी हो, प्लेन याद हो, कोई भी मिक्स चैरिटी ना हो, प्लेन याद से ही सफल हो सकते हैं। यानी बाबा ने कहा था ना, एकता तो है, अब स्वच्छता जो है मींस के हमारी याद के अंदर व्यर्थ संकल्प, जो बाबा ने पहले भी बताया हुआ, कोई भी प्रकार की किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, बेहद की बुद्धि हो, वो सारा होगा, प्लेन याद होगी, तब प्लान भी सफल होगा। नहीं तो प्लान दुनिया वाले भी बनाते हैं, किसका प्लान सफल होता है, जिस प्लान के अंदर निस्वार्थता होती है, संगठन होता है, वो ही सफल होता है ना। तो प्लेन याद, प्लेन याद मीन्स अनडिस्टर्ब, कंटिन्यूअस, पावरफुल एंड क्लीन माइंड। जैसे कहते हैं क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट, वो होना चाहिए। शुरू शुरू का वायदा क्या है, वो गीत याद है ना, उसको फिर से साकार रूप में लाना है। अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम्ही से है, वो साक्षात्कार साकार रूप में सभी को होना चाहिए। आप समझा क्या करने आए हो और क्या देखने आए हो। भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती हैं। ये रूहान इसमें कोई फेल होते हैं, अभी तो तुम सभी को फेल करने वाले बन गए हो। फेल होते नहीं, अपने को फेल होने नहीं देते, ये भी ठीक है, लेकिन फील करते हो। अपनी बात में विजयी बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हैं। देखो इसमें बाबा ने क्या कहा है, ये ज्ञान में किसी से हार नहीं खाते। बाबा से रूह हार रहान भी करते हैं, तो चाहे गलती ही होगी अपनी, उसको भी ज्ञान की पॉइंट से जस्टिफाई करेंगे। जैसे वो भक्ति मार्ग में कहते थे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, फिर उसको रीजन देते थे भगवान को, क्यों चित ना धरो,
समदर्शी है नाम तुम्हारा चाहे तो पार। यानी तुम तो सबको एक ही नजर से देखते हो, अच्छा हो बुरा हो, इसलिए मेरे अवगुण चित नजर हो। इसी प्रकार बाबा कहते रूह रिहान में भी बड़ी बाबा को अच्छी लगती वैरायटी तरह की, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है कि हारते नहीं, हर बात में अपनी जीत करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो जीतने वाले तो बन गए हो, मतलब हारते नहीं हो किसी से, फेल और फील को बाबा, फिर बाबा कहते हैं फेल तो नहीं होते, लेकिन अब बाबा ने उसके अंदर ही हमारा कमजोरी बताई है। अच्छा फेल नहीं होते, फीलिंग में तो आते हो, फील तो कर जाते हो ना। ये सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाए। फर्क मिट जाए तो आत्मा भी मिट जाए आपके ऊपर। जैसे जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए, वैसे ही आपके भक्त आप शक्तियों के ऊपर मिट जाए, लेकिन सिर्फ ये बातें मिट जाए, जो फील होता है ये बातें मिट जाए। सभी से समझदार तो निकले, जो फौरन ही सौदा कर लिया, सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी हैं, समझदार भी हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का ये संगठन है, हिम्मतवान भी हैं, और भले कितना भी हिम्मत रखें लेकिन ये हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। बाबा कहते और कितने भी हिम्मत रखें, ये वो आदि वाला ग्रुप है। तो बाबा कहते क्या हिम्मत रखी, जैसे झाटकू कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण, सोचा नहीं, तो वो ग्रुप है ये। तो इसलिए हिम्मतवान भी है और समझदार भी है, हिम्मतवान भी हैं, और भले कितना भी हिम्मत रखें, लेकिन ये हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो, और भले कितना भी हिम्मत रखें और लोग, लेकिन ये हिम्मत तुरंत दान वाली नहीं की, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। नदियों में तो भले सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया है। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना, इसमें तो पास हो ही गई, अभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की, उस एक बात में ऊपर ही मार्क्स है। कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहां के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है, एक सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। ऐसे एवर रेडी सभी बने। जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या, जेवर कपड़े बाल बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा ना, तो ये जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर ये बातें देखने की क्या आवश्यकता है। आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से ये सभी किया, ज्ञान से नहीं, सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है, स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? अब बाबा सारा बता करके अब उसका कारण बताएंगे कि पहले स्नेह में आके सब कुछ नहीं देखा, सब त्याग कर दिया। अब बाबा कहते हैं स्नेह के साथ शक्ति भी आ गई है। अब इन दोनों के होते हुए भी एवर रेडी का क्या मतलब है बाबा का, कि बाबा जो भी डायरेक्शन दे, एक सेकंड की भी दे, उस वक्त तैयार हो, मन में कोई संकल्प तो नहीं आएगा, ये बात है। जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवे और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। कोई भी आत्मा के बंधन में आना ये निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसलिए सभी को एक बात पास विद ऑनर्स की पास करनी है।
जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है, और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। यानी बाबा कह रहे हैं कि मन में सोचो कि एवर रेडी हैं। बाबा कहते हैं एवर रेडी का ये मतलब नहीं है कि बाबा क्योंकि आदि मध्य अंत को जानता है तो भविष्य को जान करके विपदा आने वाली है या कोई डिजास्टर तो आपको ऐलान निकालेगा ऐसे करो, नहीं। बाबा कहता भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ऐसा मौका आएगा सडन, और उसमें बाबा कहता है ऐसे भी नहीं है कि आप सेवा को छोड़कर या अपना छोड़ करके उसको अलग हो जाओ, उसको बाबा कहता है सफलता होगी नहीं। उसमें रहते हुए जब ऐसी परिस्थिति आए तो एक सेकंड में न्यारे हो सको, उसमें किसी चीज के अधीन चाहे सेवा के या किसी चीज के प्रभाव में किसी भी प्रकार की जंजीर जो है वो उस वक्त आपके पास ना हो। भिन्न भिन्न परिस्थितियां आएंगी उसमें आप एवर रेडी रहेंगे होंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ना तो कोई सेवा हमको बंधन में बांध सके कुछ भी, और ना ही कोई आत्मा बंधन में बांध सके। आपके जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, बाबा कहते हैं ऐसी बातों का ऐलान निकलेगा, इसलिए पहले से ही सुना रहा है, पहले से इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महीनता में जाना। महीनता में जैसे बाबा ने बताते हैं कि मम्मा ने शरीर छोड़ा, किसी को ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मम्मा शरीर छोड़ देगी। बाबा खुद कहते थे बाबा तो बुजुर्ग है, मम्मा ही शक्ति सेना की हेड बनेगी। उसके बाद ब्रह्मा बाबा खुद व्यक्त हुए तो बाबा कहते अचानक की तैयारी तो बाबा बीच बीच में करवाता आया है और अब फिर से रिवाइज करा रहा है कि जो आद में हुआ था अब एक बारी फिर होना है, उसके बाद ही पास विद ऑनर होंगे। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे? बाबा ने पहली मुरली में बताया था ना कि महीनता का मतलब यह है कि हर परिस्थिति में जा करके उसके अनुसार एडजस्ट हो जाना। फिर बाबा ने कहा था जो शक्ति भी बनती है तुम्हारी खाने पीने की वो भी खून के रूप में महीन रूप में बनती है। तो ये महीनता जो है पांचों भी बातों में बाबा ने महीनता बताई है ना, तो वो महीनता आपको मदद करेगी जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उनमें साहस होगा, वो कभी घबराएंगे नहीं लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। तो जब हल्के होंगे तभी मोल्ड हो सकेंगे, नरम और गरम दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी पॉइंट है नरम और गरम की। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज को गरम कर नरम किया जाता है फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है? नरमाई है निर्माणता, गरमाई है शक्ति स्वरूप। निर्माणता अर्थात स्नेह का रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वो निर्माण रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे ना नम्र चित्त, इसलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपना। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में सेवा गुण। सेवा भी और मालिकपना भी, सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब ये नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। हर एक को ये देखना है हमारी बुद्धि की तराजू गरम और नरम दोनों में एक समान रहती है
कहाँ कहाँ अति निर्माणता ही नुकसान करती है, ये भी नुकसान कर देती है, और कहाँ अति मालिकपन भी नुकसान करता है। इस दोनों की समानता चाहिए, जितनी समानता होगी उतनी महानता भी। क्योंकि बाबा ने जो पांच शब्द पहले बताए थे तो उसको बाबा वन बाई वन स्पष्ट कर रहे हैं कि महानता के लिए बाबा ने बहुत ही दुनिया की एग्जाम्पल देकर हमें सूक्ष्म रीति से बताया है। अगर आपने लोहा है मान लीजिए, अब लोहे से आपने कुछ बनाना है तो क्या करेंगे, लोहे को पहले गर्म करेंगे, जब बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो फिर वो मोल्ड हो सकता है, किसी भी शेप में उसको ढाला जा सकता है। इसी प्रकार तो वो हो गई शक्ति, यानी गर्मी जो है वो शक्ति है, और नरमी क्या है कि मोल्ड कब होगा, जब निर्माणता होगी, सॉफ्ट होगा तभी तो मोल्ड होगा ना। तो हमारे अंदर बाबा कहता है निर्माणता भी होनी चाहिए, अगर निर्माणता नहीं है तो मोल्ड नहीं हो सकते, लेकिन निर्माणता के साथ अगर शक्ति नहीं है तो भी मोल्ड नहीं हो सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि आपके अंदर दोनों का बैलेंस, जिसको बाबा ने गर्म और नरम का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देकर समझाया, तो फिर क्या होगा, मोल्डिंग पावर आने से हर परिस्थिति में आप एडजस्ट हो जाओगे और आपको ये पता रहेगा इस परिस्थिति में क्या करना है। किसी परिस्थिति में आपको सेवाधारी बनना है, लेकिन किसी परिस्थिति में मालक बनना है, मालक और सेवाधारी दोनों रहना है। अगर आप केवल सेवाधारी बन गए तो भी आपको रूहानी नशा नहीं है तो आपको कई जगह पर क्या होगा, फीलिंग आएगी कि देखो जी हम तो इतने बड़े हैं, ये हमको कुछ ही नहीं कर रहे, क्योंकि मालिक बने का नशा नहीं, तो बड़े का टाइटल समझेंगे बड़ा, तो जो बड़ा होता है उसके नशा ही उसको नॉर्मली सेवाधारी बनने पर बड़ा बड़ा ही रहता है। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लेकर सफाई करता है, सफाई करना तो एक साधारण काम है, नम्रता का काम है, लेकिन वो नशे में रह के करता है तो सारी दुनिया में बात फैल जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने झाड़ू लगाया। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि नशे में रहकर सेवा करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा मैं साधारण काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपका नशा, तो दोनों का बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है, ये महानता है। ये जो बाबा ने कहा कि अधिक निर्माणता अगर होती है तो वो भी नुकसान देती है, और अधिक मालिकपन है तो वो भी नुकसान, क्योंकि फीलिंग आएगी ना, नुकसान किस रूप में आ रहा है, तो बाबा की मुरलिंग ये चली है कि फीलिंग तुमको ना आए, फेल तो नहीं होते लेकिन फीलिंग आना भी तो फेल होना है ना। तो आप देखिए कोई भी व्यक्ति अच्छे स्टेटस का, या जिसको ये है कि मैं मान लो सेंटर का इंचार्ज हूँ, अब वो हॉल में जाए उसको कुर्सी ना मिले, अब वो डिस्टर्ब हो जाए कि देखो और सबको मेरे से छोटे छोटे को कुर्सी मिल गई, तो ये फीलिंग आई कि नहीं आई। अगर अपनी रॉयल्टी में रहेगा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, आप वहाँ जाएंगे दूसरे खुद ही कहेंगे अरे भाई आप अपनी कुर्सी छोड़ देंगे आपके लिए, इस प्रकार से। तो बाबा कहते ये अंदर से शक्ति होगी तब आपको मोल्डिंग पावर के कारण से आपको महीनता महानता होगी, आप मांगना नहीं पड़ेगा। अब समझा किसे एक बात में पास विद ऑनर होंगे, ये फाइनल पेपर पहले अनाउंस कर रहे हैं, हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन, ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचा, ये फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं, इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी, शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है, इससे ही परखेंगे कहां तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियां छोड़ी हैं। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की, लोहे की जंजीर तो छोड़ी लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है, वो फिर ऐसी है जो कोई को देखने में भी आना सके। अब आप देखिए फीलिंग क्यों आती है, फीलिंग का मुख्य कारण है देह भान।
अगर अव्यक्त स्थिति में होंगे, अशरीरी स्थिति में होंगे तो देव भार नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं जैसे युद्ध होता है, तो युद्ध के अंदर कभी किसी टुकड़ी को कह देते तुम आओ लड़ो। मान लो भारत का किसी देश से युद्ध हो जाए, तो भारत की सेना तो फैली हुई है, तो वो कहेंगे अच्छा आज मराठा ग्रुप मराठा रेजिमेंट आके लड़े। अब मराठा रेजिमेंट की तो टेस्ट हो गया, अब मराठा रेजिमेंट किस तरह से लड़के विजयी होता है या कितनी हिम्मत दिखाता है वो गिना जाएगा। इसलिए हमारे को जब ऐलान होगा अर्थात हमारे आगे वो परीक्षा आएगी, उस स्थिति में हम फीलिंग में आए। बाबा कहते हैं जब दे ही नहीं रही, अशरीरी बन गए, तो आपको फीलिंग कैसे आएगी, तो आप पास हो जाओगे। इसलिए उसमें बाबा ने युक्ति भी बताई हुई है कि अपनी श्रेष्ठता के नशे में रहो, मालिकपने के नशे में रहकर सर्विस करो। अगर आपने मालिकपना कट कर दिया तो आप कहेंगे अरे मैं सेवादारी हूँ, मैं ये करूँ मैं वो करूँ, ये फर्क है। इसलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त है, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से भी मुक्त हो सके। हाँ। बाबा ने जो कहा है एवर रेडी की बात ऊपर में, कि शरीर के भान से, हर प्रकार के भान से न्यारे, सोने की जंजीर भी हो सकती है और वो बाबा ने कहा लोहे की जंजीर भी हो सकती है। नहीं, खास बात इसमें ये फाइनल पेपर के शरीर छोड़ने की है कि बाबा कहते हैं जब आपका वो स्टेज आएगा उस समय आप चीज पुल ना आप करें। हाँ, ऐसे शरीर छोड़ सको जो आपको किसी भी प्रकार का फीलिंग ना आए कि मेरा ये रह गया, मेरी सेवा रह गई, मैं ये करता था। तो वो अवस्था जो है कोई भी प्रकार का बंधन निर्बंधन अशरीरी अव्यक्त लगातार रहेंगे तभी तो होगा कि नहीं। कोई कहे मेरी मृत्यु आने लगे मैं निर्बंधन हो जाऊंगा, ये बात। इसलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके। नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सोगते। अब इसको बाबा ने फिर स्लोगन, ये सारी मुरलियों में बाबा जो बाबा हमें स्लोगन देता है उनको बहुत ही अप्रोप्रिएट जगह पर एक्सप्लेन किया हुआ। जैसे पहले कहा ना कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा कर्म मैं करूंगा। अब अंत मते सो गते हम सुनते आए हैं, अंत मते सो गते। अब अंत मते कौन सी मत होनी चाहिए जो हमारी उस समय सदगति हो जाए, दुर्गति ना हो, वो बात है। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह पास विद ऑनर की निशानी है। लेकिन वो तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो एक सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। अगर कहां भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, एक सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखा। ये ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं। ये सोचा कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगड़ मिले कैसे जाएं, ये सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी। बाबा ने अपना बताया कि नहीं, तो सचमुच अव्यक्त हुए, व्यक्त से ऐसे व्यक्त हुए। तो ब्रह्मा बाबा ने तो एग्जांपल सेट किया, अगला चोला ही नहीं लेना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये अवस्था हर बात में एवर रेडी होंगे तब होगी। अगर जरा सी बात में भी कहीं बुद्धि फंसी हुई होगी तो टाइटनेस आएगी, उस वक्त खींच पड़ेगी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए ये कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा, कैसे रहते हुए भी न्यारे थे तब ही एक सेकंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो
तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना कोई व्याधि आदि के रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोज फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पार्ट का गायन सन शोज फादर करेगा। ये भी वही कर सकेंगे जिनमें एक विशेष गुण होगा। देखिए बाबा ने किस प्रकार से बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर छोड़ना, वो भी बच्चों का संशोध फादर करेगा। और लेकिन उसके लिए क्या परिस्थिति होनी चाहिए, भिन्न भिन्न पाठ का अर्थ यह है, कोई अचानक शरीर छोड़ देगा, कोई थोड़ा सा शरीर का हिसाब किताब चुकू करके शरीर छोड़ेगा, लेकिन दोनों की जो स्थिति होगी वो सब वंडर खाएंगे, उनके डॉक्टर भी वंडर खाएंगे, उनको देखने वाले भी, इनकी क्या स्थिति है। अब मान लीजिए लच्छू बहन थी बाबा की ब्राह्मणी, बाबा की ब्राह्मणी लच्छू बहन थी जो ब्रह्मा बाबा को साथ, उसने एक सेकंड में शरीर छोड़ दिया, पता भी नहीं लगा किसी को। ये ऐसी भी स्थितियां हैं। और कईयों को बाबा ने दिखाया कि बाकी का हिसाब किताब चुकतू यही करना है पास, उन्होंने उनका भी शरीर की व्याधि है और डॉक्टर हैरान है कि ऐसा पेशेंट तो हमने कभी देखा नहीं। तो स्थिति की बात है ना। तो बाबा ने कहा ये पार्ट भी बहुत थोड़ों का है, अंत तक बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। अब जानकी दादी जी हैं, वो कहती हैं मुझे दर्द तो है, दर्द का दुख नहीं है। प्रकाशमणि दादी को डॉक्टर ने पूछा आप ओके हैं, कहती मैं ओके हूँ। बोला मैं तो डॉक्टर हूँ, आपके शरीर में इतनी नालियां लगी हुई हैं। दादी कहती आपने प्रश्न ही रॉन्ग पूछा है, आप कहते तेरा शरीर कैसा है तो मैं बताती, आपने तो आत्मा कहा मैं ओके हूँ, तो सेवा नहीं होती। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होंगी, अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा वो एक सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए, वैसे तो एक सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है। लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस का बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकंड, सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चले। बाबा कहते हैं दो सिचुएशन है ना, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, आप योग में बैठते हो, आप फटाफट अशरीरी हो जाते हो। जैसे हमारी संदेश पुत्रियां हैं ध्यान में जाती हैं, झटका लगता था अशरीरी हो जाती थी। लेकिन बाबा कहते हैं जब कोई परिस्थिति सामने हो उस समय अशरीरी होना, वो तब हो सकेगा अगर बहुत काल का हर परिस्थिति में अशरीरी होने का अभ्यास होगा। भय की परिस्थिति में अशरीरी होना इतना आसान नहीं है, जब तक कि बहुत समय से भय की परिस्थिति में अशरीरी होने का अभ्यास किया हो। सोचने के बाद पुरुषार्थ न करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उसका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। जैसे परवाने के लिए कहते हैं ना सीधा फिदा हो गया, कहीं घूमते हैं पहले फिर फिदा होते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले तुम सोचते हो फिर उस स्थिति में आते हो, अच्छा मैं अब निराकारी बनता हूँ, तो सोचते हो ना, अच्छा मैं अव्यक्त बनता हूँ, अच्छा अब मैं सतयुग के सामने लाता हूँ। वो कहते तुरंत बाबा कहते हो जाए बस सीधा ही। ऐसा जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित है लेकिन बहुत थोड़े, मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, उनों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं अंत में साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे।
अंत तक सन शोज फादर करके ही जाएंगे, ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होता है। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप। वो तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है, बच्चे सामने। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है, इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। अब देखिए, बाबा कहता है कि मृत्यु के समय भी, वो होते तक भी सर्विस करके जाते हैं, मृत्यु के बाद भी उनकी सर्विस होती रहती है। अगर आप देखोगे यज्ञ में ब्रह्मा बाबा का शांति स्तंभ बना हुआ, तो ब्रह्मा बाबा का शांति स्तंभ कितनी सर्विस करता है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा सेवा प्रकाशमणि दादी ने की, उसका भी प्रकाश स्तंभ बना, वो भी सर्विस करता है। सबके तो नहीं प्रकाश स्तंभ बन गए, तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली ड्रामानुसार उनकी सेवा होती है। तो बाबा ने कहा ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करे, हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें बन सकेंगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रतन भी हैं जो कमाल करके दिखाएंगे। अभी सर्विस में नवीनता लानी है। जैसे अपने में नवीनता लाते हो, वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी है। सभी के मुख से ये निकले कि ये कहाँ से आई है, जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है, जो सभी महसूस करें कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। उनसे अभी की सर्विस बड़ी है, तो ऐसी शक्ति रूप स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हों, तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आए। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था ये कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वो हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर, उनके वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता है। दुनिया की चकाचौंध से प्रभावित नहीं हो जाना, बल्कि अपने रूहानी प्रभाव उन पर डालना। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं। हाँ। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र, उसको नहीं भूलना। अभी वो संबंध जो रखना था सो रख लिया, अभी इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता। अब ये गौर से अंडरलाइन करने की बात है। बाबा कहते हैं अभी बीच में सर्विस के कारण संसारिक लोगों से भी कनेक्शन रखते थे, इससे सेवा में हेल्प होता है, यज्ञ को मदद मिलती है। अब बाबा कह रहे हैं कि ये स्टेज आनी है, इस संबंध की भी आवश्यकता ना पड़े, तुम्हारी अलौकिकता ही काम करे, क्योंकि अलौकिक शक्ति ही सारी दुनिया को अलौकिक बना सकती है। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र, उसको नहीं भूलना। अभी वो संबंध जो रखना था सो रख लिया, अब इस रीति संबंध रखने की आवश्यकता नहीं। सर्विस कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं। वो समय बीत चुका, अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे, वो व्यक्त देखने में आए, आप अव्यक्त देखने में आओ। ये है परिवर्तन। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हठ बहुत है, लेकिन वो हठ अच्छा था। ये है ईश्वरीय हठ। इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसे कुर्बानी की? आंतरिक आत्मिक स्नेह से।
तो बाबा कहते प्रजा तो बहुत बनाई है लेकिन अब कुर्बान करना है, ये सर्विस रही है। वारिस कम प्रजा ज्यादा बनाए, वाणी से प्रजा बनती लेकिन ईश्वर स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस बनाने हैं, ये फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते लेकिन स्नेह और शक्ति से एक सेकंड में स्वाहा कर सकते हैं, दूसरा पानी पानी हो जाए। ये भी अंत में मार्क्स मिलते हैं, वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई, वारिस भी किस वैरायटी, प्रजा भी किस वैरायटी की, कितने समय में, फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं। किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं, एक तो ये क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा अंत तक सर्विस का शो, तीसरा आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बार फेल हुए, पूरा पोता मेल अनाउंस होगा, कितने बार विजयी बने, कितने बार फेल हुए और विजय प्राप्त की तो कितने समय में, कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स। यानी बाबा ने अंत के पेपर की भी सारे क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर कर दिया। सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये तीन बातें देखी जाती हैं। यहाँ भी हर एक एक दो के सामने स्पष्ट देखेंगे इन तीन बातों का क्या क्या पोता मेल रहा। अपनी रिजल्ट को भी पहले से चेक कर सकते हो, जो कमी रह गई रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, मेकअप कर सको। आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है, जो 6 घंटा भी नहीं चलते वो आधे घंटे में हो जाते हैं। अब मेकअप करने का लास्ट चांस है, अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू में समाचार आते थे कितनी ऊंच आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए, भट्टी का अर्थ ये बदलना। बाबा ने हम बच्चों को पूरा आगे क्या सेवा करनी है, कैसे करनी है, विधि क्या है, और वो बाबा ने अंडरलाइन कराई अलौकिकता। लाखों के बीच में आप अलौकिक विशेष हस्तियां दिखाई दो, मार्क्स किस में देगा वो भी आज बाबा ने हर चीज की महीनता बाबा ने बताई। ये थी बाबा की आज 20 दिसंबर 1969 की मुरली, जो कि एक पूरा वह स्कंध है जिसमें हमें हर प्रकार का आंसर बाबा ने उपलब्ध कराया है। ओम शांति।